welcome back dear students on my youtube channel biology with dharamvir this is dharamvir singh and today we are going to discuss about our next topic that is enzymes required for the DNA replication in our last video we are discussing about uh, experimental proof what is DNA replication and experimental proof of the DNA replication and the experimental proof was given by Meselson and Nisthal that DNA replication इज ऑफ सेमी कंजर्वेटिव कंजरवेटिव मैथडी बेटा जो डी एन ए रिप्लीकेशन होता है इट्स ऑलवेज सेमी कंजर्वेटिव सेमी कंजर्वेटिव मीन्स इफ दिस इज पेरेंटल डी एन ए देन बोथ द स्टैंड ऑफ डी एन ए इज एक्ट एज टेम्पलेट एंड ऑन दिस टेम्पलेट न्यू डी एन ए स्टैंड आर सेंथेसाइज्ड

एनिमल और सॉरी इन द केस ऑफ द लिविंग मशीनरी बट जब लिविंग मशीनरी की बात करते हैं सो इन द केस ऑफ लिविंग्स द रिप्लीकेशन और डी एन ए रिप्लीकेशन है हेल्प ऑफ द एनजाइम्स एंड दीज एनजाइम्स आर ऑफ देर आर फाइव टाइप्स ऑफ एनजाइम्स फॉर द डी एन ए रिप्लीकेशन फर्स्ट इज हेलिकेस सेकेंड इज टोपो आइसोमरीज थर्ड इज एस एस बी सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स नेक्स्ट वन इज प्राइमरेज रिक्वायर फॉर द सेंथिसिस ऑफ अ शॉर्ट स्टैंड ऑफ द और शॉर्ट प्राइमर ऑफ द आर एन एंड लास्ट वन इज डी एन ए रिप्लीकेज बट डी एन ए रिप्लीकेज जिनको हम डी एन ए पॉलीमरेज बोलते हैं इन द केस ऑफ द यू कैरियोर्स देर आर टू टाइप ऑफ द डी एन ए पॉलीमरेज आर एक्ट्स दैट आर डी एन ए पॉल वन एंड पॉल थ्री बट इफ यू डिस्कस अबाउट द प्रो कैरियोर्स दैन अंदर डी एन ए पॉलीमरेज सेकेंड ओके डी एन ए पॉल सेकेंड ठीक है बेटा डी एन ए पॉल सेकेंड अगर यहाँ बेटा हम प्रो कैरियोड्स को भी इंक्लूड करेंगे तो प्रो कैरियोड्स के अंदर डी एन ए पॉलीमरेज सेकेंड वर्क करता है और यू कैरियोड्स के अंदर डी एन ए पॉलीमरेज फर्स्ट और थर्ड यू आ, एक्ट करते हैं बट द मेन रिप्लीकेटिंग एन डाइम इज डी एन ए पॉलीमरेज थर्ड जो बेटा मेन रिप्लीकेटिंग एंजाइम होता है जो डीएनए का रिप्लीकेशन करता है बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ में जो करता है रेड इज डी पॉलीमरेज थर्ड वन बाय वन we are discuss here expand each and every enzyme okay first enzyme is helicase what is the work of helicase beta uh, as we see that in initial stage dna is present in this form double strand form and both strands are joined with the help of some hydrogen bond and these hydrogen bonds form between the aden when it is between the adenine एंड थाइम जब बेटा ये और थाइमिन के बीच में है दैट इज ऑफ डबल बॉन्ड तो बेटा कैसा होगा डबल बॉन्ड होगा जब ग्वानी और साइटोसिन के बीच में होगा दैट इज ऑफ ट्रिपल बॉन्ड ये बेटा कैसा होगा ट्रिपल बॉन्ड होगा मीन्स ए और टी के बीच में है तो डबल बॉन्ड होता है और जी और सी के बीच में हो था था होता है तो ट्रिपल बॉन्ड होता है विदाउट ब्रेकिंग दिस बॉन्ड मीन्स हेलीकेज का मतलब क्या होता है बेटा हेलीकेज द एंजाइम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकिंग ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द नाइट्रोजन बेसिस ये नाइट्रोजन बेस जो है एडिनिन ग्वानीन थाइमिन साइटोसिन इनके बीच का जब तक नाइट्रोजन जब तक हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तब तक बेटा डी के स्टैंड अलग अलग नहीं होंगे और जब तक डी के स्टैंड सेपरेट नहीं होंगे वी आर अनेबल टू स्टार्ट द डी एन ए रिप्लीकेशन तब तक डी एन ए रिप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हो सकता देन वॉट हैपन्स हियर वी कैन सी दैट दिस हेलीकेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकिंग ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द एडिनिन एंड थाइमिन बेटा हेलिकेस हमेशा एडिनिन और थाइमिन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करता है बेटा यहाँ पर इसे हम देखेंगे ओके ये एक डीएनए स्ट्रैंड था यहाँ पे

यू आर अंडरस्टैंड दिस बेटा सारा डी एन एस ही बाउंड किया हुआ था ओके okay. लेकिन हमको अभी इसका रिप्लीकेशन कराना था देन वॉट हैपन्स हेयर समवेयर एडिनिन इज प्रजेंट एंड हेयर समवेयर थाइनिन इज प्रजेंट ठीक है एडनिन थाइमिन हैव डबल बाउंडेड स्ट्रक्चर बेटा इनके बीच में डबल बाउंड होता है आई थिंक इट इज़ इजी टू ब्रेक द डबल स्टैंड बॉन्ड बेटा क्या होता है जब डबल बॉन्ड डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उनको ब्रेक करना आसान होता है इन कैंपेड और ट्रिपल क्योंकि ट्रिपल के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी का यूज़ करना होता है तो हेलिकेट सिंपली आता है और इन दोनों के बीच में बाइंड होता है और बॉन्ड को ब्रेक कर देता है जैसे ही बॉन्ड को ब्रेक करता है दोनों डीएनए एन स्टैंड सेपरेट हो जाते हैं जैसे आप देख रहे हैं दोनों डीएनए एन स्टैंड सेपरेट हो जाते हैं दूर दूर हो जाते हैं एंड दे प्रोवाइड द स्पेस फॉर द बाइंडिंग ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द रिप्लीकेशन अब बेटा क्या करता है ये इतना स्पेस प्रोवाइड करता है जहाँ पर आके डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम बाइंड कर देंगे दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द रिप्लीकेशन तो रिप्लीकेशन के लिए रिक्वायर होते हैं ओके सो नेक्स्ट अवर नेक्स्ट एनडाइम इज़ आई थिंक यू पीपल अंडरस्टैंड दट द वर्क ऑफ हेलीकेज दिस हेलीकेज ओके वन वन मोर थिंग आई वॉन्ट एक्सप्लेन यर दिस हैलीकेज इज ऑलवेज वर्क फ्रॉम फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन बेटा हेलीकेज हमेशा फाइव प्राइम से थ्री प्राइम डायरेक्शन में वर्क करता है आई मीन जितने भी ए और टी बा्ड ब्रेक करेगा ए और टी हाइडन बॉन्ड्रन एड इन इन एंड था आई मीन वो हमेशा प्राइव फाइव प्राइम से थ्री प्राइम डायरेक्शन में एक्ट करेगा Okay, next thing or next enzyme is second enzyme is that is I think SSBs or single standard binding protein. Oh, no no, topoisomerase. What is topoisomerase? Topoisomerase. Second top y isomerase. It's one let's see This is a this is our genetic material. Okay. इफ़ हीयर समवेयर हीयर हीयर समवेयर बाउंडस आर ब्रेक बट अगर यहाँ पर बाउंड्स ब्रेक कर दिए जाएँ और धीरे धीरे क्या होगा इधर की तरफ यहाँ से फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम लग रहा है कि फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम जैसे प्रोपोगेशन होगा रिप्लीकेशन फ्रॉक का रिप्लीकेशन फ्रॉक बढ़ेगी तब क्या होता है टोपोलॉजिकल टेंसन बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है मीन्स क्या है वैसे भी इतना डी एन ए एक दूसरे के साथ में बाइंडेड होता है और एक थ्रेड बनाए हुए होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जैसे ही इधर की तरफ बढ़ता है तो सुपर क्वाइलिंग होना स्टार्ट हो जाती है इसके बीच में मीन्स बहुत ज़्यादा क्वाइलिंग होती है तो उससे क्या होता है इतना ज़्यादा टेंशन बढ़ने की वजह से डी एन ए ब्रेक हो सकता है तो बड़ा ट्रोपाइस अमरीज का क्या वर्क होता है जो ये टेंशन होती है मीन्स हियर वी कैन से दैट दिस इज अ मच टेंशन क्रिएट इतनी ज्यादा टेंशन क्रिएट हो गई तो ट्रोपाइज ओ क्या करते हैं कहीं पे यहाँ पे डीएनए को कट करेंगे और उनके बीच की टेंशन को एक सिंगल स्टैंड को कट करेंगे उनके बीच की जैसे टेंशन रिलीज हो जाएगी जैसे टेंशन रिलीज हो जाएगी फिर से उस स्टैंड को आपस में ज्वाइन कर देंगे ठीक है टेंशन रिलीज़ करना मीन्स टोपो आइस इज टोपोलॉजिकल टेंशन जो टोपोलॉजिकल टेंशन क्रिएट होती है मीन्स जैसे रिप्लीकेशन फ्रॉक प्रोपोगेट करती है तो क्या होगा जैसे रिप्लीकेशन फॉक प्रोपोगेट करेगी बेटा तो क्या होगा यहाँ पे टेंशन बढ़ गई ऐसे आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा पास पास आ जाएंगे ये जो क्वाइलिंग है डी की क्वाइलिंग है बहुत ज़्यादा पास पास आ जाती है इससे क्या होता है

एस एस बीज एस एस बीज एस एस बी आर टर्म सिंगल बाइंडिंग प्रोटीन्स ओके बेटा सिंगल स्टैंडर्ड प्रोटीन्स बेटा ये क्या करती हैं जैसे एक बार डीएनए का फॉक बना ठीक है तो बेटा डीएनए जैसे अगर यहाँ से कोई ए और टी ब्रेक हुआ है ए और टी ब्रेक हुआ तो डीएनए के अंदर यह कैपेबिलिटी होती है कि फिर से आपस में रिज्वाइन कर लेता है फिर से आपस में रिजाइन कर लेता है तो ये रिज्वाइनिंग ना करे, इसलिए क्या होता है ये सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन किसी भी एक ही स्टैंड पे बाइंड कर जाती हैं और उसके नाइट्रोजनस बेस को हाइड कर देती हैं उसके नाइट्रोजनस बेस को छुपा देती हैं तो क्या हो जाता है उससे सेकेंड स्टैंड जो होता है उसके नाइट्रोजन बेस इस स्टैंड के साथ में आकर के कॉम्प्लीमेंटरिटी नहीं दिखा पाते हैं और उस वजह से क्या होता है जो डीएनए का रीजॉइनिंग होता है उसको ये इनहिबिट कर देते हैं मीन्स सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स आर रिक्वायर फॉर रिक्वायर फॉर द इनहिबिटिंग रीजॉइनिंग ऑफ डी एक बार जो हेलीकेज ने किया था उसके काम को आगे ना बिगाड़ा जाए मीन्स फिर से रिज्वाइनिंग ना हो जाए फॉर दैट सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स और एस एस बीज आर बाइंड ऑन द सिंगल स्टैंड वन ऑफ द टू स्टैंड ऑफ द डी एन एंड हाइड द नाइट्रोजन बेसिस ऑफ दैट पार्टिकुलर स्टैंड बाई विच दे कैन प्रिवेंट द डी एन ए फॉर द रिज्वाइनिंग और ये डी एन ए की रोई नहीं हो जाती हैं फिर से उनके अंदर कोई दूसरे बॉन्ड नहीं बनने देते हैं ओके आई थिंक द थर्ड एंजाइम इज फोर्थ फोर्थ एंजाइम इज प्राइमेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम प्राइमेज़ प्राइमेज देन वॉट इज द वर्क ऑफ़ प्राइमेज बेटा प्राइमेज़ क्या करता है एज दिस फॉक इज जनरेटेड बेटा एक बार जैसे फॉक के जनरेट हो चुका है क्या होता है फर्स्ट टाइम आर एन ए पॉलीमरेज रिक्वायर एनी स्मॉल आर एन ए न्यूक्लियोटाइड बेटा कोई भी उसको राइबोस न्यूक्लियोटाइड चाहिए होती विदाउट राइबोस राइबो न्यूक्लियोटाइड डी एन ए पॉलीमर्ज एनेबल टू बाइंड ऑन द रि रिप्लीकेशन फॉक जो बेटा डी एन ए होता है रिप्लीकेशन फॉक के ऊपर बाइंड नहीं कर सकता है तो क्या करता है प्राइमियर्स का वर्क क्या होता है एक टेन टू ट्वेल्व न्यूक्लियोटाइड का आर एन ए प्राइमर बनाता है मीन्स द इट इज अ पार्ट ऑफ द प्राइमोसोम मीन्स प्राइम इज द पार्ट ऑफ प्राइमोसोम इट इज एन आर एन ए पॉलीमर इज विच सेंथेसाइज अट आर एन ए प्राइमर बेटा क्या करता है छोटा सा आर एन ए प्राइमर कर देगाट आर एन ए प्राइमर विच टेन टू ट्वेल्व न्यूक्लियोटाइड इन लेंथ इट इनिशियर देंथेसिस ओनली वन ऑन द लीडिंग स्टैंड ओके बेटा वन थिंग एज आई कैन एक्सप्लेन फरदर that DNA polymerase only able to move from मूव prime to प्राइम prime. But DNA एन ए के अंदर तो दोनों स्टैंड हैं थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम भी होगा और फाइव टू थ्री भी होगा तो प्राइमज क्या करता है हमेशा एक डायरेक्शन में फ्रॉम फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम सेंथेसिस करता है और डी एन ए इधर लगेगा यहाँ पर डी एन ए पॉलीमरेज और यहाँ पर डायरेक्ट सेंथेसिस करना स्टार्ट कर देगा मीन्स कॉन्टिन्यूस सेंथेसिस करना स्टार्ट कर देगा फ्रॉम प्राइ फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम लेकिन जो दूसरा वाला स्टैंड होता है डी एन ए का दिन दैट स्टैंड दिस इज कॉल्ड लीडिंग स्टैंड बटा इसमें डायरेक्ट कॉन्टीन्यूअस कॉन्टीन्यूअस प्रोपोगेशन चलता है कॉन्टीन्यूस डी एन ए बनता है दैट वाइट इज कॉल्ड लीडिंग स्टैंड बट द सेकेंड स्टैंड ऑन विच द थ्री प्राइम एंड फाइव प्राइम बेटा जो थ्री प्राइम से फाइव प्राइम होता है स्टैंड थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम यहाँ पे जो बेटा डी एन ए स्टैंड सिंथेसाइज होता है ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में होता है दिज आर कॉल्ड एज ओकाजा की फ्रेगमेंट इनको बेटा ओकाजा की फ्रेगमेंट बोलते हैं तो लीडिंग स्टैंड पे तो एक बार आर एन ए प्राइमर्स आर एन ए प्राइमर बना देगा और कॉन्टिन्यूस सेंथिस होती रहेगी बट इन द केस ऑफ लेट लॉगिंग लैगिंग स्टैंड बट इसको लैग मीन्स ये थोड़ा पीछे रह जाता है जब डी एन ए रिप्लीकेशन होता है तब इसमें छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में होता है अभी हम सारा कुछ एक्सप्लेन करते हैं छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में होता है इस वजह से ये स्टैंड थोड़ा धीमे सिंथिसाइज होता है दैट्स वाई दिस स्टैंड इज कॉल्ड एज लैगिंग स्टैंड तो बेटा हमेशा याद रखना वे एन डी एन ए रिप्लीकेशन टेक्स प्लेस देन देयर आर टू स्टैंड आर फॉर्म वन इज कॉल्ड लीडिंग स्टैंड जो कॉन्टिन्यूस सेंथेसिस करेगा फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन एंड अनदर इज कॉल्ड इज लैगिंग स्टैंड जैन सेंथिसाइज थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम डायरेक्शन ओके अब थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम डायरेक्शन सेंथेसिस तो हो नहीं सकती बिकॉज डी एन ए पॉलीमर इज ओनली एबल टू सेंथसाइज डी एन ए फ्रॉम फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम इस वजह से बेटा क्या होता है हर बार आर एन ए प्राइमर अगर ये डिफरेंट कलर से हम आर एन ए प्राइमर यहाँ पे आर एन ए प्राइमर को बना रहे हैं हर बार आर प्राइमर छोटे छोटे से फ्रेगमेंट बनाता है टेन टू ट्वेल्व न्यूक्लियोटाइड का एक आर प्राइमर बनाता है और फिर डी एन ए पोलीमरेज वहाँ पर ऐड करता है छोटा सा सेगमेंट बनाता है फिर डी एन ए पॉलीमरेज ऐड करता है छोटा सेगमेंट बनाता है दिस एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय द ओकाजाकी ओकाजाकी ने बेटा इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था दैट्स वाई दिस सेगमेंट्स आर कॉल ओका जाकी सेगमेंट्स और इन ओकाजो फ्रेगमेंट्स को जोड़ने का काम करता है बेटा डी एन ए पॉलीमरेज फर्स्ट ओके डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट इनको जोड़ने का काम करता है और यहाँ पे लाइगेज एंजाइम भी वर्क करता है फॉर द ज्वाइनिंग ऑफ द टू डीएनए एन टू डीएनए और फर्स्ट फोडोइ्टर बॉन्ड बनाने के लिए दो दो जो डी के न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनको ऐड कर देता है ओके सो मेन फंक्शन ऑफ प्राइम इज द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर फॉर द सेंथेसिस ऑफ द डी एन ए डी के सेंथेसिस के लिए जो प्राइमर रिक्वायर्ड होता है या कहीं भी जो प्राइमर रिक्वायर्ड होता है दैस इज दें बाई द एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज प्राइमर नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम दैट इज डी एन ए ओके दैट इज डी एन ए पॉलीमरेज डी एन ए मीन्स एंड जाइन दैट इज रिक रिस्पांसिबल फॉर द पॉलीमराइजेशन ऑफ डी एन ए पॉलीमराइजेशन ऑफ डी एन ए मीनस डी एन ए इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट दैट आर कॉल्ड इज न्यूक्लियोटाइड एंड वेद वैन दिस न्यूक्लियोटाइड आर जॉइन टू इच अदर दैन द थ्रेड इज कॉल्ड इज पोली न्यूक्लियोटाइड एंड दिस पोली न्यूक्लियोटाइड चैन इज कॉल्ड इज डी एन एके और ऑन एने

इन द केस ऑफ डी एन ए रिप्लीकेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एन जम इज डी एन ए पॉलीमरेज थर्ड ओके इन द केस ऑफ यू कैरी वर्ड्स डी एन ए पॉलीमरेज थर्ड के थर्ड के अंदर फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है मीन्स इट्स ऑलवेज सेंथसाइज कीप इन माइंड इट ऑलवेज सेंथसाइज डी एन ए फ्रॉम थ्री फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन बेटा ये हमेशा डीएनए सिंथेसिस ए जो करेगा और पॉलीमराइजेशन जो करेगा वो फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन में होगा प्रूफ रीडिंग थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम और थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम ये हमेशा ये चेक करता रहता है कि कहीं पे कोई मिसमैच तो नहीं हो गया है मिस ए से हमेशा टी को ज्वाइन करना था और जी से हमेशा सी को ज्वाइन करना था कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई कि ए के जगह पे कहीं भी सी आ गया है तो बेटा ये प्रूफ रीडिंग करता रहता है इफ़ दिस हैपेंस देन व्हाट इज एक इरेडिगेशन इसके अंदर होता है और उससे क्या करता है इसको री ए, इसको क्या करता है प्रूफ रीडिंग करने के बाद में रीयूनियन स्टार्ट कर देता है इट इज़ कॉल्ड प्रूफ रीडिंग और इस प्रूफ रीडिंग में अगर कहीं पर मिस मैच पाया गया दें ऑल्सो हैव एक्जो न्यूक्लियस एक्टिविटी और एक्जो न्यूक्लियस एक्टिविटी की वजह से फिर से इनके बॉन्ड बीच के बॉन्ड को ब्रेक करेगा और यहाँ पर टीके टीको ला करके ऐड कर देगा सो दिस इज द मेन एंजाइम फॉर द डी एन ए रिप्लीकेशन ओके